क्या लगता है आपको कि किसी भी कंपनी की अगर मार्केटिंग स्ट्रेटजी अगर अच्छी हो, बेहतर हो, तो क्या वो कंपनी सर्वाइव कर सकती है? क्या वो कंपनी अपने कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ सकती है? जी बिल्कुल सही है ये बात। जितनी अच्छी मार्केटिंग आपके कंपनी की होगी, उतना ही ज़्यादा सर्वाइव करने के चांसेस ज़्यादा है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक बात करते हैं जिलेट की। आप सभी ने जिलेट कंपनी का नाम तो ज़रूर सुना होगा। उसकी जो प्लानिंग, उसकी जो एड कंपनी, उसकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी आप अगर देखोगे, सुनोगे, तो आपको पता चलेगा कि यार किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपका एड कैंपेन, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अगर अच्छी है, आपकी सेल्स टेक्निक अच्छी है, तो आपका प्रोडक्ट डेफिनेटली ग्रो करेगा और लोगों के दिलों में राज करेगा डेफिनेटली। नमस्कार, मैं योगेश राजप्रोहित, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस ट्रेनर। आज केस स्टडी लाया है, आज बात करेंगे जिलेट की। जो रेजर आप सभी के घरों में यूज होता है, बस वही है। देखिए बात करते हैं रेजर की। 1984 में जिलेट ने इंडियन मार्केट को टारगेट किया कि भाई ये मार्केट ऐसा है, अगर एक बार हमने इस मार्केट को टारगेट कर लिया और यहां पर प्रोडक्ट बिकना शुरू हो गए, तो भाई धूम है, फिर तो ये प्रोडक्ट अच्छी खासी सेल हो जाएगी इस प्रोडक्ट की। तो क्या था उस समय में इंडियन मार्केट में, डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट होते हैं, जो अपने आसपास के जो घरेलू प्रोडक्ट बनते थे, उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड होना पड़ता था, क्योंकि इंटरनेशनली कंपनियां आती थी, उसके रेट्स ज्यादा हाई होते थे, और जितने ज्यादा रेट हाई होते थे, उतना कंपीट नहीं कर पाते थे उनके साथ में। तो क्या होता था कि जो प्रोडक्ट घरेलू आसपास में, जो डोमेस्टिक मार्केट के जो प्रोडक्ट है, वही यूज किए जाते थे, उसी से काम चलाया जाता था। जो डोमेस्टिक मार्केट के प्रोडक्ट है, उनकी मोनोपोली होती थी। अब उस मोनोपोली के अंदर इंटरनेशनल ब्रांड का घुसना काफी ज्यादा तकलीफदायक होता है, क्योंकि इंटरनेशनल कंपनी को भी पता है कि अगर ये प्रोडक्ट इस मार्केट में अगर नहीं चला, डोमेस्टिक मार्केट में नहीं चला, तो पिट सकता है। जब 1984 में जिलेट इंडिया में लॉन्च करने वाला था प्रोडक्ट, तब उसका कैंपेन चल रहा था, उसका जो प्रोडक्ट ज्यादा बिक्री हो रही थी वो यूएसए में हो रही थी। अब यूएसए की ऑडियंस है वो अलग है, और इंडिया की ऑडियंस है वो अलग है, ठीक है। जो कस्टमर बेस यूएसए का है वो अलग। काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे जो है एडी चोटी का जोर लगाए कि किस तरीके से इंडियन मार्केट में एक बार घुसना है अपने को। तो बहुत सारे तरीके और इंडियन मार्केट की रिसर्च के बाद उनको पता चला कि जो इंडियन पुरुषों की जो त्वचा होती है ना, वो थोड़ी सी मोटी होती है, या फिर खुरदुरी होती है, या फिर इतनी सॉफ्ट नहीं होती जितनी दूसरी कंट्रियों के लोगों की होती है। तो उसके लिए जो लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट यूज करते थे, उनसे उनके दाग, खुजली वगैरह, ये इचिंग की प्रॉब्लम होती थी। तो उन्होंने एक एड कैंपेन चलाया, और उनमें उन्होंने क्लियर मैसेज दिया, अगर आप हमारे प्रोडक्ट, अगर हमारे रेजर को यूज करते हो, तो आपको ये सारी प्रॉब्लम, जो आपके त्वचा संबंधी जो प्रॉब्लम हो रही है, वो बिल्कुल नहीं होगी। तो ऐसे करके जिलेट इंडिया के मार्केट में उतरता है, तो 2000 के दशक आते आते अच्छी खासी मार्केट की पकड़ बना लेता है। अभी भी उसको मार्केट को कैप्चर करना है, अभी भी मार्केट बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा मार्केट है, तो उसको कैप्चर करना है। तो उस समय 2000 के दशक में उन्होंने एड कैंपेन चलाया, जिसका एक सिंपल सा मैसेज था कि अगर कोई भी व्यक्ति जो क्लीन शेव करता है, जो क्लीन शेव में रहता है, उसको लड़कियां ज्यादा पसंद करती है, या उनके प्रति आकर्षित ज्यादा होती है। जो मैसेज था उस समय काफी ज्यादा तबाही ला दी उस मैसेज ने, तो लोग जो है उस प्रोडक्ट को ज्यादा यूज करने लगे। तो धीरे धीरे इस प्रोडक्ट की क्या हो गई, ब्रांड वैल्यू बन गई। और जब ब्रांड वैल्यू बन गई, तो उन्होंने ऐसे ही एड कैंपेन चलाना शुरू किया, टैगलाइन चलाना शुरू किया, इस तरीके से आप जो स्क्रीन पर देख सकते हैं। दाढ़ी की झाड़ी, अब देखो जिलेट शेव जेल का जलवा। जिलेट शेव जेल का खास फॉर्मूला, सख्त से सख्त दाढ़ी को बनाए नर्म। चलिए दुले साहब, अब शेव करना इतना आरामदायक कि शेव हो जाए और पता भी ना चले। जिलेट शेव जेल, क्योंकि किस तरीके से एड जो है लोगों को लुभावने लगे, और ये जो एड है ना, यही जो है लोगों को पसंद करवाते हैं वो प्रोडक्ट, चाहे वो प्रोडक्ट किसी काम का हो नहीं हो। अगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अच्छी है, लोगों को एड देखना पसंद आ रहा है, तो वो प्रोडक्ट लोगों के दिल में राज कर रहा है भाई साहब। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की, और धीरे धीरे उन्होंने अपना मार्केट कैप्चर करना शुरू किया। उनको पता था कि आने वाले टाइम में मार्केट को कैप्चर करना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने अपना जितना भी जोर था वो मार्केटिंग में, एड कैंपेन में बनाना शुरू किया। बहुत सारे एड कैंपेन चलने लगे। रिसेंटली बहुत सारे क्रिकेटर को इस एड कैंपेन में जगह मिलने लगी, और देखते ही 2019 तक, और देखते ही जिलेट का जो मार्केट है, इंडियन मार्केट, वो 8 बिलियन USD तक का हो गया। आप देखते हैं कि किसी भी कंपनी का मार्केटिंग स्ट्रेटजी के दम पर इस कंपनी ने लाखों नहीं, करोड़ों छापे, अरबों छापे। अगर आपकी कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी अच्छी है, आप चाहते हो कि आप
मार्केट में कॉम्पीट कर पाओ, अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर करके दिखाओ, तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। तो होप्स आप सभी को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब डेफिनेटली कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस आपके साथ में साझा करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद जय भारत।